हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज ये बनाने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी सी, एक खिचड़ी कह लीजिए चाहे इसको आप पुलाव कह लीजिए। ये थोड़े से खिले खिले से हैं तो मैं इसको पुलाव बोलूँगी, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो आज है थर्सडे, यानी कि वीरवार, कुछ लोग इसको बृहस्पतिवार के नाम से भी जानते हैं। तो मैं हर वीरवार को खिचड़ी, पुलाव या मीठा क्या नाम है, सूजी का हलवा, ये सब मैं बनाती हूँ और साईं मंदिर में जाकर देती हूँ। तो पहले भी मैंने इस पे अपना इस तरह से बना के डाला हुआ है। तो पिछले आपने वीडियो में मेरे देखा होगा कि मैंने हलवा चना डाल रखा है, तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख लीजिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया हुआ है, और इसमें मैंने क्या क्या डाला है इसको हेल्दी करने के लिए, तो वही आपको देखना है, बताती हूँ मैं। तो आपको इसके लिए देखना होगा फुल मेरा वीडियो। और फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल सके मेरी सबसे पहले। वैसे तो मेरा मंडे और थर्सडे को वीडियो आता ही है, बट किसी कारण वीडियो नहीं भी आ पाता है तो आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा कि मेरा वीडियो अब आ चुका है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस किचन में। और ये देखिए कि मैंने जो एक खिचड़ी तैयार की है, यानी कि जो पुलाव तैयार किया है, इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। तो ये सामग्री आप देख चुके हैं, ये चावल हैं, आलू है, चने की दाल थी और पालक था। तो मेरे घर में जो भी अवेलेबल होता है, मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सामान डालने की, और सब कुछ मेरा अंदाजे से चलता है। तो ये देखिए, मैंने एक भगोना ले लिया है बड़ा सा, और इसमें डाल दिया है मैंने ये सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जिसको आप बोलते हैं। साथ में डाल देती हूँ मैं इसमें जीरा, और सब कुछ मैं अंदाजे से लेती हूँ। मेरे हाथ से जितना भी सामान बन जाता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करती हूँ, और हर एक वीरवार को मैं जाके साईं मंदिर में ये बच्चों में बाँट देती हूँ। तो देखिए, मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स में आलू कट कर लिए थे, तो ये आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं। जो भी फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। इसलिए नहीं कि ये मेरा चैनल है या ये मेरा वीडियो है वायरल हो, नहीं जी, इसलिए कि जो भी मेरे इस वीडियो को देखकर शायद कुछ लोगों के दिल में भी आए कि हम भी ऐसा करें। तो अगर वो ऐसा करेंगे तो अच्छी बात है, हम चाहे कम अमाउंट में ही सही, चाहे हमारे हाथ से 20 दोने जो कि होते हैं वही निकल जाएँ, तभी भी बहुत है। और जितना हो दिल से करो, मन खुश करके करो तो बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए, मैंने आलू हल्के से फ्राई कर लिए थे, और ये दाल भी इसमें कर ली है थोड़ी सी फ्राई। इसी तरीके से हम इसको भूनते रहेंगे, और साथ में मैंने नमक डाल दिया है जिससे कि ये जल्दी से गल जाए। सब कुछ मेरा अंदाजे से होता है, और जी जहाँ तक भी होता है कि परफेक्ट भी बैठता है, क्योंकि हम लोग बनाते रहते हैं हर वीरवार को, मैं ये काम सालों से कर रही हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो गया इस चीज़ का। आपके घर में जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। मैं सोयाबीन की वड़ियाँ भी डालती हूँ, बट नहीं थी तो इस बार नहीं डाली मैंने। तो ये पालक है, पालक को मैंने रफली चॉप कर रखा है, अच्छे से धो के इसमें जो मिट्टी होती है उसके बाद में मैंने काट लिया है इसको, और इसको मैं ऐड कर दूँगी। दोस्तों, आप भी एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट टाइम जो थर्सडे आएगा उसके लिए मैं क्या तैयार करूं, क्या होना चाहिए, और साईं मंदिर में क्या क्या दिया जाता है। मैं तो हमेशा हलवा और ये पुलाव और ये खिचड़ी ही बना के देती हूं, आप सुझाव दीजिएगा। कमेंट के ज़रिए आपके सुझाव का मुझे इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, मैं आपके एक कमेंट का इंतज़ार करूँगी। इस तरह का जो पुलाव होता है या खिचड़ी होती है, जो भी मुझे मंदिर में जाके बांटना होता है, तो मैं इसमें मिर्ची जो है बहुत कम अमाउंट में डालती हूँ। तो ये मैंने सिर्फ नाम मात्र इतने सारे क्या नाम है पुलाव के अंदर मैंने आधी चम्मच मिर्ची डाली है, जिससे कि थोड़ा सा मसालेदार लगे, लेकिन बिल्कुल भी इसमें तीखापन नहीं नज़र आएगा। तो थोड़ी सी मिर्ची डाल दी, हल्दी, और मैंने डाला था सिर्फ नमक, और बस मैं चावल इसमें डाल के अच्छे से चला दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आधी चम्मच मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ,
थोड़े से फ्लेवर के लिए, क्योंकि इसमें काली मिर्ची, लौंग वगैरह सब कुछ होती है, और ये कसूरी मेथी अभी इसमें डाल दूंगी मैं, जिससे कि उबाल के साथ साथ इसके अंदर फ्लेवर भी आ जाए। अगर हम गरम मसाला या कसूरी मेथी ऊपर से डालते तो ये सब तरफ मिक्स नहीं हो पाते, इसलिए मैं इसमें अच्छे से अल्टा पल्टी करके चलाते हुए, और इसके अंदर जितना भी हमने ये सामान लिया है इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने इतना पानी डाल दिया है कि एक इंची मेरा उंगली इसके अंदर डूब गई है। तो इतना मैं पानी डालने के बाद में इसको ढककर पकाऊंगी। 15 मिनट तक मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया था, और ये देखिए आलू मोस्टली हमारा गल चुका है, चने की दाल भी गल चुकी है, थोड़ा सा इसके अंदर पानी रह गया है, तो ये भी थोड़ी सी 2 से 3 मिनट और पकाना है इसको, और ये भी हमारा पानी भी पक जाएगा। तो मैं इसका ढक्कन फिर से लगा दूँगी एक बार, और 2 मिनट तक गैस को ऑन रखूँगी, उसके बाद में मैं गैस बंद कर दूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, पुलाव हमारा पूरी तरीके से पककर तैयार हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ गई है, चावल भी गलने लग गया है यानी कि टूटने लग गया है। तो इसको हम कर लेते हैं एक प्लेट में, तो प्लेट में डालकर मैं यहाँ पर थोड़ा भूख लगाती हूँ, थोड़ा चेक भी कर लेती हूँ कि हाँ जी सब कुछ परफेक्ट है। तो जी अच्छा बना है, देख बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इतने कम मसालों में। और ये मेरा लास्ट वीक में बनाया था मैंने पुलाव, तो वही वीडियो मैंने बना के रखा था कि मैं आपको दिखाऊंगी। जब ये पुलाव मैं मंदिर में देने गई थी तो वहाँ पर बच्चे बहुत खुश होकर खा रहे थे, तो मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ, अपने रिव्यू लेती रहती हूँ उनसे कि बेटा कैसे बना है बताओ, तो कहता है आंटी बहुत अच्छे बने हैं। तो मन को बहुत सुकून मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं बच्चों से ये भी पूछती हूँ कि बेटा नेक्स्ट टाइम बताइए क्या बना के लाऊँ, तो बच्चे जो फरमाइश करते हैं मैं कोशिश करती हूँ उसको पूरा करने की। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी ये छोटी सी वीडियो, तो प्लीज़ बस शेयर करना सिर्फ इसी इरादे से कि शायद मेरी तरह आपकी तरह और लोग भी जागरूक हों। थोड़ा सा हमारे हाथ से दान निकल जाता है, मन खुश हो जाता है। बस ऊपर वाला कहता है कि अच्छा करो, किसी का बुरा मत करो, बस यही सोच अपने मन में रखो। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।